हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को नेचुरल तरीके से परमानेंटली कैसे ठीक किया जा सकता है। इस वीडियो में इसका आंसर जानेंगे और साथ ही आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है। अगर आपके लिंग में तनाव नहीं आ रहा है या हार्ड इरेक्शन नहीं आ रहा है या आप अपने इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं, आपका शीघ्र पतन जल्दी हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम को ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। आपके लिंग में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता है जिससे आपको हार्ड इरेक्शन नहीं मिलता है। वैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के कई रीज़न हो सकते हैं। अगर आप ये सारे रीज़न जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी 2 वीडियो हैं, आप विजिट करके देख सकते हैं। तो अब पॉइंट वाइज बात करते हैं कि आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन को परमानेंटली नेचुरल तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ईडी को ठीक करने में। ये बॉडी के हर ऑर्गन को बेनिफिट पहुंचाता ही है, साथ साथ आपके प्राइवेट लाइफ को भी बेहतर करता है। रेगुलर एक्सरसाइज से आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है, आपके बॉडी के सारे हिस्से में ब्लड बहुत तेज़ी से पहुँचता है। एक्सरसाइज आपके लिंग और पेल्विक एरिया के ब्लड फ्लो को मेंटेन रखता है जिससे आपको हार्ड इरेक्शन मिलता है। एक्सरसाइज पसीना निकलने तक करना चाहिए, रनिंग ज़्यादा करना चाहिए, इससे आपके बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है और ब्लड फ्लो मेंटेन रहता है। सेकेंड पॉइंट, प्राइवेट एरिया एक्सरसाइज या फिर सेक्सुअल एक्सरसाइज। सेक्सुअल एक्सरसाइज से आपकी प्राइवेट लाइफ बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक एंड बेहतरीन रहती है, प्रॉपर ब्लड फ्लो मेंटेन रहता है, साथ ही पेल्विक मसल्स स्ट्रांग रहते हैं जिससे आपके हार्डनेस में कमी नहीं आती है। आपका लिंग और इरेक्ट होता है, आपका स्टेमिना एंड होल्डिंग पावर बढ़ता है। तो इसमें कुछ एक्सरसाइज है, जैसे इस एक्सरसाइज से आपके एब्स, बैक, पेल्विक एरिया के मसल्स स्ट्रांग रहते हैं, इससे आप लॉन्ग लास्ट रहते हैं अपने बेड में। दूसरा, कीगल एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपके पेल्विक मसल्स के साथ साथ हैमस्ट्रिंग और ग्लट्स को भी स्ट्रांग करता है, आपको डिफरेंट पोजीशन में संबंध बनाने में भी हेल्प करता है। ऐसे हैं पुशअप्स, जंप स्क्वाट और कीगल एक्सरसाइज के भी 2-3 एक्सरसाइज हैं, तो आप उन सबको भी करके अपने प्राइवेट लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, मसाज। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मसाज आपके लिंग के लिए। ये ना केवल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है बल्कि आपके लिंग के नसों को भी हेल्दी रखता है। हल्के हाथों से लिंग को नीचे से ऊपर की ओर मालिश करना चाहिए। आप इसके लिए वर्जिन कोकोनट ऑयल या ओलिवा ऑयल का यूज कर सकते हैं। तो मसाज करके भी आप ईडी को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, हेल्दी डाइट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बॉडी के सही रिक्वायरमेंट को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट से विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन की ज़रूरत पूरी होती है। हेल्दी डाइट से बॉडी फिट तो रहता ही है, साथ में प्राइवेट लाइफ भी हेल्दी रहती है। आपकी वीर की क्वालिटी अच्छी रहती है, आपके नेल्स, हेयर, चेहरे पर चमक बरकरार रहती है। तो आप अपने डाइट में भी सुधार करके अपने ईडी को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, बूस्ट टेस्टोस्टेरोन। वैसे तो एक्सरसाइज से भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल अच्छा रहता है। हेल्दी डाइट और खाने में हरी सब्जियां खाने से भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल बूस्ट रहता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल बूस्ट से आपको हार्ड इरेक्शन मिलता है, साथ ही होल्डिंग पावर अच्छी रहती है, आपका लिबिडो डिजायर भी अच्छा रहता है, आपको करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। तो आप टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करके भी अपने ईडी को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको ईडी क्योर करने का। सिक्स पॉइंट, कंट्रोल वेट। वेट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा कोलेस्ट्रॉल मेंटेन नहीं रहता है, कई बीमारियों का होने का खतरा भी रहता है और साथ ही हार्ड इरेक्शन मिलने में प्रॉब्लम होती है। आपके पेट के नीचे के टिश्यू बढ़ने से आपको हार्ड इरेक्शन नहीं मिलता है, साथ ही संबंध बनाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो वेट को कंट्रोल करके भी ईडी का परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। मैं स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन को बहुत बड़ा कारण मानता हूँ ईडी होने का और हार्ड इरेक्शन ना मिलने का। कोशिश करिए स्ट्रेस फ्री रहने का। इसके लिए मेडिटेशन कीजिए, शांत जगह रहने की कोशिश कीजिए, खुद को टाइम दीजिए। ये सब बहुत हेल्प करेगा स्ट्रेस फ्री रहने में। स्ट्रेस से हमारे बॉडी में कई बैड हार्मोनल चेंजेस होते हैं,
हार्मोन इनबैलेंस होता है, तो स्ट्रेस फ्री रहकर भी आप ईडी का परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। 8 पॉइंट, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। स्मोकिंग एंड अल्कोहल हेल्थ के लिए बैड होता ही है, साथ ही ईडी का सबसे बड़ा कारण होता है। अगर आप अब भी सेवन कर रहे हैं इन चीज़ों का तो आज ही छोड़ दीजिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और ईडी बहुत जल्दी क्योर होगा। 9th पॉइंट, स्टॉप हैंड प्रैक्टिस। बहुत ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस ईडी होने का बहुत बड़ा कारण होता है। शुरू में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट बाद में आपको ईडी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। इससे आपके वीर की क्वालिटी तो खराब होती ही है, साथ में होल्डिंग पावर भी वीक हो जाती है। 8th पॉइंट, अवॉइड अननेसेसरी मेडिसिन। बहुत ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन लेना, हर छोटी सी छोटी प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन लेना खतरनाक हो सकता है। आप कोई भी अननेसेसरी मेडिसिन ले रहे हैं तो आज ही छोड़ दीजिए, तो इससे भी आपको हेल्प मिल सकता है ईडी को क्योर करने में। अब बात करते हैं एडवाइस की, तो आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करके अपने ईडी को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, मसाज, हेल्दी फूड से आप बहुत जल्दी ईडी से छुटकारा पा सकते हैं और बाकी चीज़ों को अवॉइड करके इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।